आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस, और आज के दिन मुझे ये वीडियो शायद नहीं बनाना चाहिए था, बिकॉज मैं सिर्फ स्लम्स में पढ़ाया हूँ, मुझे प्रोफेशनल टीचिंग्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्कूल कॉलेज या इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने नहीं पढ़ाया है। मैं आप सब की तरह टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बचपन की बहुत सारी यादें हैं टीचर्स की, लेकिन इस वीडियो बनाने के पीछे कुछ दो तीन वजह थी जो मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे। आज के समय में टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट पे फोकस होना चाहिए। आज समय एवेन्यूज इतने हैं लोगों के पास कि स्टूडेंट के अंदर ये एक क्रिटिक डेवलप होना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा कि वो ये देख सके कि क्या उसे ग्रहण करना है और क्या उसके लिए त्याज्य है, मतलब क्या उसे नहीं लेना है। उदाहरण तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि अगर किसी एक इंसान से आपको अगर एक बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती है तो आप उससे वो लें, आप ये ना कहें कि इसमें ये बुराई है। जैसे आप किसी इंसान को अगर आप देखेंगे बोलचाल में, आप देखेंगे ऐसा कि कोई बहुत अच्छा बांसुरी बजाता है, तो ज़माना ऐसा है कि लोग कहेंगे अरे वो क्या बांसुरी बजाएगा, वो लुच्चा लफंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लुच्चे लफंगे होने का बांसुरी बजाने से कोई संबंध नहीं है। अगर आपको आप फ्लूट के प्रति आप बहुत पैशनेट हैं तो आप उससे वो कला आप सीखें। और हर इंसान में 9-10 अलग इंसान होते हैं, आप एक इंसान से जो सीख सकते हैं आप ज़रूर सीखें। आप मैं उस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, स्टूडेंट पे बहुत ज़रूरी है कि किस इंसान से क्या सीखना है। दूसरी बात, अगर आप में किसी चीज़ को लेकर भूख है, पैशन है, एक जुनून है, तो आप ये देखेंगे अस्तित्व का एक नियम है, कानून है, कहीं से भी एग्जिस्टेंस आपके सामने कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई गाइड आपके सामने ला खड़ा करेगा। लाओत्सु ने कहा था, लाओत्सु वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स एवर, लाओत्सु ने कहा है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स, एंड व्हेन द स्टूडेंट इज फुल्ली रेडी टोटली रेडी द टीचर डिसअपीयर्स। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक अनूठा नियम है कुदरत का कि आपके अंदर जब वो भूख होती है किसी भी चीज़ को लेकर, आप जब रेडी हैं ग्रहण करने के लिए किसी विषय में, तो उस टीचर आपके पास आ जाता है। टीचर को भी स्टूडेंट की उतनी ही तलाश होती है जितनी स्टूडेंट को एक टीचर के प्रति। ये आने वाले भारत में ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखेगी, क्योंकि हम एक गुरु शिष्य परंपरा से हज़ारों साल से निकले हैं। हमारे यहाँ अभी इस वक्त सही है कि गूगल है हमारे पास, लेकिन जो एक 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 कनेक्ट होता है, एक एग्जिस्टेंशियल जो जो प्रोसेस है, एक मैं उस स्पिरिचुअल लाइन की बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे गुरु को बहुत ऊपर स्थान दिया गया है। इनफैक्ट वो गुरु गोविंद दोनों खड़े, वो वाली जो दोहा है बहुत लोग आजकल शेयर कर रहे हैं। सो वो भारत के जो परिवेश में, परिदृश्य में ये खास महत्व रखता है, और विश्व ने भी इसे माना है अपने अपने तरीके से। तो एक बात वो कि स्टूडेंट को आज ये देखना पड़ेगा कि किससे क्या लेना है, और अगर अपने टीचर में आपको कुछ बातें ऐसी लगती हैं जो शायद उनके लाइफ में डेवलपमेंटल एरिया हो सकती है, तो आप उसे उन पर छोड़ दें। आप उसकी वजह से जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, उनको रिजेक्ट ना करें, नंबर एक। नंबर टू, पिछले 20-30 सालों में काफ़ी इवोल्यूशन हुआ है, आज इंफॉर्मेशन लोड नहीं है। पहले टीचर का काम यह था कि इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि एवेन्यूज बहुत कम थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि सब कुछ इन्फॉर्मेशन आज मशीन्स में है, तो टीचर का काम इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना नहीं है, टीचर का काम फेसिलिटेट करना है, सॉरी दो वर्ड में मुझे कन्फ्यूजन होता है, फेसिलिटेट करना है, जस्ट एज अ इनेबलर। तो जैसा शास्त्र में कहा जाता है, दुनिया के सभी रिलीजियस टेक्स्ट में ये बातें हैं कि एक टीचर, एक गुरु वो नहीं है जो आपको बताए कि ये अच्छी मूवी है, ये बुरी मूवी है। गुड बैड के बारे में गुरु का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। टीचर गुरु वो है जो आपको प्रोजेक्टर रूम की तरफ इशारा करता है कि तुम देखो, तुम उस चीज़ के पीछे डीप जाओ और देखो कि वहाँ प्रोजेक्टर से मूवी हाईलाइट हो रही है। और टीचर गुरु आपको ये बताता है कि जो भी मूवी तुम देखते हो वो केवल लाइट एंड साउंड का खेल है। और जब आप ये देखते हैं, आप सोर्स पे जाते हैं, ओरिजिन पे जाते हैं, तो फिर आप इस खेल को समझते हैं।